स्टूडेंट्स, मैं हूं दीक्षा। लेक्चर शुरू करने से पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आते हैं हम अपने टॉपिक पर। आज हम शुरू करेंगे टिश्यू के प्रकार में। सबसे पहले हम देखेंगे स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। इसके पहले वाले हम लेक्चर में देख चुके हैं स्थायी ऊतक के प्रकार। स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कौन कौन से? सरल स्थायी ऊतक, सेकेंड आता है जटिल स्थायी ऊतक और थर्ड आता है विशिष्ट स्थायी ऊतक। ओके, तो हमने कितने प्रकार देखे थे स्थायी ऊतक के? तीन प्रकार। सबसे पहला कौन सा है? सरल स्थायी ऊतक, सेकेंड आता है जटिल स्थायी ऊतक और थर्ड आता है विशिष्ट स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक क्या होते हैं? स्थायी ऊतक जिसे हम परमानेंट टिश्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या होता है? परमानेंट टिश्यू का मतलब ये होता है कि ऐसे टिश्यू यानी ऐसे ऊतक जिनमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। इनमें स्थायी और अस्थायी रूप से हम देखेंगे तो दोनों तरह से ही इनमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। मतलब कि इनकी कोशिकाएं जो होती हैं वो डिवीजन या वृद्धि नहीं करती, ये फिक्स होती हैं। ठीक है, जितनी इसमें सेल्स होती हैं वो ज्यों की त्यों उतनी ही रहती हैं। इनमें क्या होती? वृद्धि नहीं होती, ना ही इनमें कमी होती है। तो इसलिए क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यू कहते हैं। क्लियर है? परमानेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी सेल्स क्या करती हैं? डिवीजन नहीं करती हैं। अब इसके कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सरल स्थायी ऊतक। तो सरल स्थायी ऊतक जो है वो भी तीन प्रकार के होते थे। अभी इसके पहले वाले लेक्चर में हमने इसको डिटेल में देखा था कि कितने प्रकार होते, पूरा चार्ट पढ़ा था। तो सरल स्थायी ऊतक के कितने प्रकार होते हैं? मृदूतक, मृदूतक स्थायी ऊतक, स्थूल कोण ऊतक। आज हम इन्हें डिटेल में देखेंगे। ठीक है, स्थूल कोण ऊतक और लास्ट इसको इंग्लिश में कहते हैं पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक को कहते हैं स्क्लेरेन्काइमा। तो ये हो गए सरल स्थायी ऊतक के प्रकार। ये जो चित्र है ये है मृद ऊतक का। तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे पैरेन्काइमा यानी कि मृद ऊतक। ठीक है, परमानेंट टिश्यू के अंतर्गत, सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंतर्गत हम सबसे पहले कौन सा देखेंगे? ये क्या है? मृद ऊतक यानी कि पैरेन्काइमा, जिसे हम पैरेन्काइमा भी कहते हैं। इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं पैरेन्काइमा। ओके, अब हम देखेंगे पैरेन्काइमा टिश्यू के पॉइंट्स, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो पैरेन्काइमा टिश्यू जो होते हैं ये किसका प्रकार है? सरल स्थायी ऊतक। अब जो सरल स्थायी ऊतक होते हैं वो ऐसे ऊतक होते हैं जो केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं की बने होते हैं। मतलब जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है? एक समान होती हैं और ये वृद्धि नहीं करती हैं। इसके अंतर्गत हम पहला पॉइंट देखेंगे मृद ऊतक, मृद ऊतक या पैरेन्काइमा टिश्यू। इसके हम लक्षण देखते हैं तो जो मृद ऊतक होते हैं उनकी कोशिकाएं सबसे पहले देखेंगे कैसी दिखाई दे रही है? गोलाकार। कैसी होती है? गोलाकार। लेकिन इसमें ही मृद ऊतक में ही कुछ कोशिकाएं कैसी होती है? बहुभुजी भी होती है, मतलब षड्भुजीय, पंचभुजीय। ठीक है, तो ये गोलाकार भी होती है और बहुभुजीय भी होती है। इसकी कोशिकाएं होती है जीवित, यानी कि कैसी होती है? लिविंग। नाम तो मृद ऊतक है लेकिन कोशिकाएं कैसी होती हैं? जीवित होती हैं। ठीक है, और आकार में छोटी भी होती हैं। इसमें हम देखेंगे जो अंतर कोशिकीय अवकाश है वो पाया जाता है, इंटरसेल्यूलर स्पेस। इंटरसेल्यूलर अवकाश क्या होता है? प्रेजेंट होता है। लेकिन जो अंतर कोशिकीय अवकाश होता है वो बहुत कम होता है। कैसा होता है? कम होता है। अब
इसके चारों ओर भित्ति पाई जाती है जिसे कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। ये जो कोशिका भित्ति होती है, किसी भी कोशिका के चारों जो प्लांट सेल होती है उसके चारों ओर क्या पाई जाती है? सेल वॉल पाई जाती है। ये जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। इसमें रिक्तिकाएं कम होती हैं और छोटी होती हैं। अब ये रिक्तिकाएं क्या होती हैं? रिक्तिकाएं मतलब कि जो भोजन संग्रह करने वाला वैक्यूल होता है, छोटा गोलाकार संरचना होती है, उसे हम कहते हैं रिक्तिकाएं, जो कि सिर्फ पौधों में पाई जाती हैं। ये जो नदूतक हैं, जो जलीय पौधों में पाए जाते हैं नदूतक, उनका काम होता है पौधे को हल्का बनाना, और यही क्या करते हैं, पौधे को तैरने में सहायता करते हैं। जलीय पौधों में जो नदूतक पाए जाते हैं वो क्या करते हैं? पौधों को तैरने में सहायता करते हैं। कैसे? तैरने में सहायक कैसे होते हैं? क्योंकि ये एरेनकाइमा के रूप में पाए जाते हैं। नदूतक के भी प्रकार होते हैं, प्रोजेनकाइमा, एरेनकाइमा। तो जो एरेनकाइमा नदूतक होता है वो कैसा होता है? हल्का होता है वजन में और तैरने में सहायता करता है। तो ये हो गए नदूतक के लक्षण। इसके अलावा जो नदूतक होता है उसका काम है भोजन का अवशोषण करना, संग्रह करना, स्वांगीकरण करना। ये सभी कौन करता है? पौधों में नदूतक टिश्यू करते हैं, जो कि क्या होता है? परमानेंट टिश्यू होता है। इसकी कोशिकाएं हमें कैसी दिखाई दे रही है? गोलाकार। इसमें ये जो है ये इसका केंद्रक है, ठीक है। और ये जो चारों तरफ पाई जाती है ये इसकी क्या होती है? कोशिका भित्ति। इसकी कोशिका भित्ति काय की बनी होती है? सेल्यूलोज की, ठीक है। ये इसका कोशिका द्रव्य है। क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य। अब दो कोशिकाओं के बीच में जो स्थान होता है, खाली स्थान, इसे कहते हैं अंतर कोशिकीय अवकाश। क्या कहते हैं? अंतर कोशिकीय अवकाश, यानी कि इंटरसेल्युलर स्पेस। इंटर मतलब दो कोशिकाओं के बीच का स्थान। इसमें क्या होता है? अंतर कोशिकीय अवकाश पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नदूतक, स्थायी ऊतक। की बात आता है स्थूल कौन होता है? स्थूल कौन होता है? जिसे कोलन का इलाज कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलन का इलाज। जो कोलन काइमा है इसकी लक्षण देखते हैं। तो सबसे पहला इसका लक्षण है कोलन काइमा की कोशिकाएं भी कैसी होती हैं? गोलाकार होती हैं। लेकिन इसके अलावा ये इसकी कुछ कोशिकाएं लंबी भी होती हैं। इनकी कोशिकाओं के बीच आप देखेंगे एक पदार्थ भरा होता है जिसे कहते हैं लिग्निन। क्या कहते हैं? लिग्निन या सेल्युलोज, मतलब कि सेल्युलोज या लिग्निन भरा होता है, जिसके कारण इसमें अंतर कोशिकीय अवकाश दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो अंतर कोशिकीय अवकाश है वहां कौन सा पदार्थ भरा होता है? लिग्निन या सेल्युलोज। तो इसमें अंतर कोशिकीय अवकाश मतलब कि इंटरसेल्युलर स्पेस क्या होता है? नहीं पाया जाता है। लेकिन इसके पहले वाली जो नदूतक सेल्स देखी थी उसमें अंतर कोशिकीय अवकाश क्या होता है? पाया जाता है। तो इसमें अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसमें क्या भरा होता है? लिग्निन या सेल्युलोज भरा होता है। अब इसकी जो कोशिकाएं हम देखते हैं उसके कोण कैसे होते हैं? मोटे होते हैं। मोटे यानी स्थूल, जिसे स्थूल कोणोतक, इसका नाम ही है क्या? स्थूल कोणोतक। स्थूल कोणोतक का मतलब होता है मोटी सेल्स, क्योंकि इसकी सेल्स के कोण कैसे होते हैं? मोटे होते हैं, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है? स्थूल कोणोतक कहा जाता है। अब स्थूल कोणोतक होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरो प्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? प्रकाश संश्लेषण करना। इसकी वजह से क्या होता है? ये ऊतक प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं, ठीक है। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के कारण ही इनका रंग कैसा होता है? हरा होता है। मतलब ये कैसे दिखाई देते हैं? ये ऊतक हरे रंग के दिखाई देते हैं।
और इसका कार्य है भोजन का संग्रह करना। ठीक है, भोजन का संग्रह कौन करता है? कोलेनकाइमा, मतलब कि स्थूल कोणोतक। स्थूल कोणोतक के कारण ही पत्तियों के जो सिरे होते हैं वो फटते नहीं है, मतलब कि पत्तियों के सिरों को कटने से ये बचाता है, पत्तियों के सिरों को कटने से बचाता है। कौन बचाता है? स्थूल कोणोतक। जो सिरे उसके कटे फटे होते हैं तो जिन प्लांट्स में स्थूल कोणोतक होता है उससे क्या होता है, वो उसकी पत्तियां फटती नहीं है। ठीक है, इसके अलावा ये ऊतक पाए किसमें जाते हैं? ये द्विबीजपत्री तनों में। द्विबीजपत्री मतलब कि ऐसे पौधे जिनके जो बीज होते हैं, जैसे ये बीज है तो उसके कैसे होते हैं, दो बीज पत्र होते हैं, मतलब कि अगर उसको बीच में से तोड़ेंगे तो वो कितने भागों में टूट जाएगा, दो भागों में। जैसे चना मूंगफली देखा होगा आपने, वो सभी क्या है, द्विबीजपत्री। तो द्विबीजपत्री पौधे के तने, पत्ती, पर्व, इन सभी में क्या होता है, स्थूल कोणोतक पाया जाता है। ये देख रहे हैं हम स्थूल कोणोतक का चित्र है, ये इसकी क्या है, कोशिकाएं हैं। अब कोशिकाओं के बीच में हम देख सकते हैं जो अवकाश है वो इसमें नहीं पाया जाता है। ये क्या कहलाता है, अंतरकोशिकीय अवकाश, लेकिन इसमें ये नहीं पाया जाता क्योंकि इसमें लिग्नेट पेक्टिन या सेल्युलोज भरा होता है, जिसके कारण इसमें अंतरकोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता। तो ये रहे स्थूल कोणोतक के लक्षण। के बाद आता है द्रव ऊतक। ठीक है, ये क्या है, द्रव ऊतक, या जिसे स्क्लेरेनकाइमा भी कहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी दिवाली का त्योहार है तो हर जगह पटाखे फोड़े जा रहे हैं, बच्चे क्या है पहले से उत्साह मनाने लगते हैं। तो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, द्रवोतक इसके लक्षण देखते हैं। तो द्रवोतक होते हैं, इसकी कोशिकाएं, कुछ कोशिकाएं इसकी जो होती हैं वो गोलाकार होती हैं। ठीक है, कुछ कोशिकाएं लंबी होती हैं, कुछ द्रवोतक जो होते हैं वो ताराकार होते हैं, मतलब इसका एक फिक्स आकार नहीं है। कुछ पौधों में गोलाकार में होती है, कुछ पौधों में लंबी होती है, कुछ में ताराकार होती है। ठीक है, तो ये इसका पहला लक्षण हो गया। जो द्रवोतक की कोशिकाएं होती हैं वो मृत होती है, लेकिन शुरुआती जो स्टेज होती है, मतलब जब ये निर्मित होती है तब ये जीवित होती है, और बाद में कैसी हो जाती है, मृत। तो इनको हम यही कहेंगे कि इसकी कोशिकाएं कैसी होती है, मृत होती है, यानी कि नॉन लिविंग होती है। इसमें एक लिग्निन नामक पदार्थ पाया जाता है जो इसके चारों ओर होता है, इसलिए इनको, इन कोशिकाओं को लिग्निफाइड ऊतक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिग्निफाइड टिश्यू या ऊतक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें लिग्निन नामक पदार्थ इसके चारों ओर पाया जाता है। इसमें नामक पदार्थ होता है, इसके कारण इसकी कोशिका भित्ति जो होती है, ये कोशिका भित्ति जो चारों ओर पाई जाती है, कोशिका की क्या कहलाती है, इसकी कोशिका भित्ति, जिसे इंग्लिश में सेल वॉल भी कहते हैं। कोशिका भित्ति मोटी होती है क्योंकि इसके चारों ओर क्या पाया जाता है, लिग्निन का जमाव होता है, या लिग्निन के अलावा इसमें सुबेरिन भी पाया जाता है। ठीक है, दो पदार्थ होते हैं, कौन कौन से, लिग्निन और सुबेरिन। अब इसमें हम देखेंगे अंतरकोशिकीय अवकाश, मतलब इंटरसेलुलर स्पेस। दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसमें अंतरकोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता है, या फिर एब्सेंट होता है। ठीक है, नहीं पाया जाता है। इसमें कोशिकाओं के अंदर आप देखेंगे बीच में जो स्पेस है उसे कहते हैं गुहा। क्या कहते हैं? गुहा या कैविटी। कोई भी खाली जगह होती है जो उसे हम क्या कहते हैं, कैविटी या गुहा। ये जो गुहा होती है, ये इसको नाम दिया गया है ल्यूमेन। क्या नाम दिया गया है? ल्यूमेन। तो इसका अगला पॉइंट क्या होगा, इसमें एक गुहा पाई जाती है जिसे कहते हैं ल्यूमेन। क्या कहते हैं? ल्यूमेन गुहा कहते हैं। ठीक है, इसकी कोशिका भित्ति कैसी होती है, मोटी होती है। अगर आप चित्र को ही देखेंगे तो आपको पॉइंट इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है,
कोशिका भित्ति कैसी होती है, मोटी होती है ना। अब इसमें जो यहाँ पे ये कोशिका के बीच में खाली जगह दिख रही है, इसे हम कहते हैं गर्त। क्या कहते हैं? गर्त, जिसे इंग्लिश में पिट भी कहते हैं। इसमें क्या पाया जाता है? गर्त पाई जाती है, इसे क्या कहते हैं? पिट कहते हैं। कोशिकाओं का कुछ भाग कटा होता है जहां पे ये गर्त का निर्माण करती है। इसी कोशिका विशिष्ट आकार की होती है, इसलिए इसमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करने का वाष्पोत्सर्जन क्रिया का गुण पाया जाता है। वाष्पोत्सर्जन मतलब कि क्या होता है? जो इसमें एक्स्ट्रा जल होता है वो सूर्य के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। किसके द्वारा? जो इस पत्तियों में छिद्र होते हैं छोटे छोटे, उसमें स्ट्रोमेटा पाए जाते हैं, वहां से भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। ऐसे ही इन ऊतकों में क्या होती है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन हम पहले भी देख चुके हैं। अब जो द्रणोतक होते हैं उसी के द्वारा रेसे, पटवा, इन सब का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया? उपयोग हो गया। तो ये हमारे हो गए द्रणोतक के पॉइंट्स, कुछ जो आप अगर एक दो बार देखेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। अगर आप चित्र बना के याद करते हैं तो भी आपको इजीली याद हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कोशिश करती हूँ टॉपिक को इजी से इजी समझाने की। आप मेरा लेक्चर अटेंड करते जाइए। आपको जो भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे टेलीग्राम लिंक पे जाके पूछ सकते हैं। आप लोगों को दोबारा से अगेन हैप्पी दिवाली। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कृपया वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगला लेक्चर जल्द ही लेके आएंगे, तब तक नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।